आपको ये फर्नीचर 63,888 में सेल जा रहा है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपसे क्या बोला? नहीं, हम आपसे इतने में ये फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, हम तो आपसे ये फर्नीचर 60,000 में ही खरीदेंगे। उसने अमाउंट कितना बताया? 60,000। कितने में ले रहा है वो आपसे? 60,000। वो हो जाएगी नेट सेलिंग प्राइस। अगर वो आपसे बोल दे कि हम ये संपत्ति आपसे 55,000 में परचेज कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? नेट सेलिंग प्राइस। जितने में सामने वाला पर्सन आपसे ये संपत्ति ले रहा है, आप ऐसे सेल कर रहे हो, जितने में ये संपत्ति अपनी जा रही है, वो हो जाएगी नेट सेलिंग प्राइस। जाना इतने में चाहिए, लेकिन जा कितने में रही है? जैसे 60,000 में। आप कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? नेट सेलिंग प्राइस। जितने में वो संपत्ति जा रही है, वो हो जाएगी उसकी नेट सेलिंग प्राइस। जबकि जाना कितने में चाहिए थी? 63,888 में। लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपसे क्या बोला? वो कितने में ले रहा है आपसे? 60,000 में। तो वो हो जाएगी नेट सेलिंग प्राइस। आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बताया, कितना लॉस हो रहा है अपन को यहाँ पे? 3,888। अगर ये अमाउंट प्लस में आता है, जैसे सामने वाले पर्सन ने आपसे बोला हम ये संपत्ति आपसे आप बेच रहे थे 63,000 में, लेकिन जा कितने में रही है आपकी? 64,000। मतलब सामने वाला ज्यादा नहीं बोलता, अपन ही बोलते थे 60,000 ज्यादा। अपनी संपत्ति जाना इतने में चाहिए, लेकिन आपने सोचा कि हम 64,000 में बेच देते हैं, तो आप इसे कितने में बेच रहे हैं? 64,000। सामने वाला पर्सन लेने के लिए तैयार है क्या? तो वो क्या हो जाएगी आपकी? नेट सेलिंग प्राइस। सामने वाला पर्सन कभी आपसे ज्यादा नहीं बोलेगा, हमेशा कम ही बोलेगा, लेकिन अपन सोचते हैं कभी इतने में तो जा रही है, अपन थोड़े ज्यादा में बेच देते हैं, अपन सोचते हैं अपन थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। अपन कितने तो डिपेंड करता है कितने में संपत्ति जा रही है। जब आप फर्नीचर सेल करेंगे तो डिपेंड करता है उसका अमाउंट देखेंगे कितने में जा रही है। अब जैसे उसे जाना तो इतने में चाहिए, अब आप सोच रहे हैं हाँ शाम, अब वो डिपेंड करता है सामने वाला जो पर्सन आपसे ले रहा है वो कितने में राजी कर लो। होता है किसी किसी को अपन देखने से पहचान जाते हैं, हाँ ये 64,000 में ले लिया, तो आपने उसे बता दिया 64,000 111 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको पता है कि नहीं वो इतने में नहीं लेगा, आपने उसे ये रियल अमाउंट बता दिया, लेकिन वो तो आपसे उतने में भी नहीं लेगा। वो तो आपसे बोल रहा है कि हम आपसे ये संपत्ति 60,000 में ही लेंगे, मतलब वो आपसे 3,888 का लॉस करवा रहा है। आप तो लॉस हो रहा है, निकाल नहीं है।